हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा आजकल नवरात्रि चल रही थी और मैंने भी नवरात्रि ली थी। तो आज मेरा उद्यापन है यहाँ पे नवरात्रियों का। तो भैया 9 दिन के फास्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आएंगे यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनका कन्या पूजन करेंगे हम और उन्हें प्रसाद खिलाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में, अभी वेट कर रहे हैं उनके आने का। अभी थोड़ा देर में आ जाएंगे वो, तो तब तक बने रहिए आप यहाँ पे। मंदिर में तो हमारी पूजा कम्प्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हरेला भी काट लिया हमने और अभी करते हैं आगे की तैयारी। तो भैया, यहाँ पे नवरात्रि पूजन की भी तैयारी हो चुकी है। चुनरिया रख दी है यहाँ पे और उनके खाने पीने की चीज़ें भी रखी है यहाँ पे। आरती की थाली हो गई और प्रसाद हो गया, अभी करते हैं उनके आने का वेट। तो भाई, मैं कन्याओं के लिए छोटे छोटे प्लेट लेके आया था यहाँ पे, अभी उन्हें देंगे। तो फाइनली भैया, हमारी नवरात्रि पूजा स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले सारे बच्चों के पांव धोएंगे, उनके बाद उनको टीका लगाएंगे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने पांव धोना स्टार्ट कर लिया है। पहले पांव धोएंगे हम गणेश जी और भैरव जी के, उसके बाद माता रानी के पांव धोएंगे यहाँ पे, को देख ही सकते हैं आप यहाँ पे। तो गाइस, हमें बच्चे कम ही मिले यार, मतलब गाँव में ऐसा होता है कि मिल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं आप यहाँ पे मैं किस तरह से पांव धो रहा हूँ। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, फिर मैं मिलता हूँ आपसे आगे। तो भैया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब माता रानी के पांव धो लिए हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम टीका लगाएंगे। सबसे पहले हम टीका लगाएंगे गणेश जी को, फिर माता रानी को लगाएंगे। तो देख ही सकते हैं आप यहाँ पे को, अब हम औरों को टीका लगाएंगे यहाँ पे को, उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटी वाली माता रानी को टीका लगाएंगे। अभी मैं दिखाऊँगा दोस्तों आपको, छोटी सी माता रानी आई है यहाँ पे अपनी दादी के साथ, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे औरों को टीका लगाएंगे। तो भैया, अभी एक माता रानी को और टीका लगाना है, उसके बाद आप बने रहिए ब्लॉग में। उसके बाद हम आरती करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया, हमारी आरती कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी प्लेट प्लेट लगा रही हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इनको खाने पीने की तैयारी करते हैं अभी। तो भैया, एक बार देख सकते हैं आप यहाँ पे इतने लोग आए हैं यहाँ पे। तो भैया, मम्मी खाना लगाने लग गई है। भैया, प्लेट सज चुके हैं यहाँ पे, मम्मी ने सजा दी है यहाँ पे प्लेट, अभी खिलाते हैं। भा सही हो रहा? हाँ, बढ़िया, मस्त है। तो भैया, आप खाने की तैयारी जल्दी खिलाते हैं इन्हें, बने रहिए आप ब्लॉग में। क्या नहीं है बड़ा है? अरे तमन्ना है, तुम्हें नहीं है यार, अभी किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। प्रसाद खुशी पानी यहाँ पर रख देता हूँ। हाँ, लेकिन भैया, हमने सबको खाना खिला दिया। अब हमारा कैमरामैन सौरभ खा रहा है यहाँ पे खाना, इसने सबसे लास्ट में खाया गया, इससे हमारी वीडियो शूट कर रहा था। तो अब फटाफट सबको चुनरी देते हैं।
गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सबको चुनरी दे रहा हूँ। तो यार दोस्तों बच्चे कम मिले यार, मैं चुनरी तो लेके आया था सबके लिए, कुछ चुननी बची है हमारी, अभी बहुत सी चीज़ें बची हैं यार गाइस। मैं और चीज़ें भी सब लेके आया था सारे बच्चों के हिसाब से, लेकिन बहुत सी चीज़ें बची हैं यहाँ पे, अभी आप देखेंगे ब्लॉग में। तो दोस्तों चुनरी देने के बाद हम सब बच्चों को यहाँ पे फल वितरण करेंगे, देख ही सकते हैं आप यहाँ पे को, हर किसी को हम फल दे रहे हैं यहाँ पे को। तो गाइस उसके बाद भी अभी बहुत सी चीज़ें हैं यार अभी देने के लिए, आप बने रहिए ब्लॉग में। तो भैया हम सबसे लास्ट में सबको दक्षिणा देंगे। तो गाइस नवरात्रि पूजन का भी एक विशेष महत्व होता है, उसे भी पूरे नियम के साथ करना पड़ता है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा हमने करा है। अब हम सबको यहाँ पे दक्षिणा दे रहे हैं, तो दोस्तों देख ही सकते हैं आप बताना आपको कैसा लगा, आपके वहाँ पे कैसे मनाई जाती है नवरात्रि पूजा। तो गाइस हम सबको दक्षिणा दे देते हैं यहाँ पे को, और अपने कैमरा मैन को भी देंगे अभी यहाँ पे को। सबसे ज़्यादा मेहनत तो हमारे सौरभ ने करी है यहाँ पे, जो हमारा ब्लॉग शूट कर रहा है, तो भैया उसे देते हैं यहाँ पे को। और उसके बाद सभी फिर नन्हे मुन्ने बच्चे माता रानी दूसरे वहाँ पे जाएंगे। अब लास्ट में यहाँ पे हम सबका आशीर्वाद ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि सारी नवरात्रि माता रानी के लिए थी, लास्ट में इन्हीं का हम आशीर्वाद लेंगे। अब सब बच्चे यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे उद्यापन हो चुका है और इन बच्चों ने ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं, अभी गौ माता को खिलाएंगे। और लोग तो अभी जा चुके हैं सभी लोग, उन दोनों और जी को भी जाना है। तो अभी भौक आ रहा हमारा यहाँ पे, भौक ऐसा हो रहा ठीक हो गया। तो भैया बच्चों ने अभी और जी को भी जाना है। इसी के साथ करते हैं इस प्यारी सी वीडियो की एक्सपेंडिंग। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।